इसको हम थोड़ा थोड़ा करके आपको ना एक बार जार लेके आएंगे ना, सबको सर्व कर दिखाएंगे पिला है, तो उसके लिए चाहिए होगा एक जार ना। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा ये डेट्स का पेस्ट आ रहा है, मैं एक डेट डाल देती हूँ। सो एक तो थिकनेस में हेल्प करता है एंड इट टेस्ट वेरी गुड। अभी हमने आप इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे, ये अभी थिक है थोड़ा। नट बैग में भी अच्छे से हो जाता है और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको छानना ही है। अगर आप इस मिल्क में अगर आपको वैसे ही पीना चाह रहे हैं, इसके अंदर आप थोड़ा सा एक बनाना डाल सकते हैं और थोड़े से नट्स डाल सकते हैं। कॉफ़ी आपको पसंद है तो आप कॉफ़ी का मिक्सचर डाल सकते हैं, तो कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी बन जाती है बिना किसी चीनी के और बिना कोई दूध के। ये आप करेंगे फिर आप वो करते रहते हैं। इसको डालेंगे, यहाँ जा फिश को इसमें डालेंगे या प्लेट या कुछ। मिल्क की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से पतली या मोटी कर सकते हैं। इस मिल्क की खीर भी बहुत अच्छी बन जाती है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। ओट्स का जब आप इसमें तो हमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी चलेगा, लेकिन जब आप ओट्स का ओट्स से जब भी आप मिल्क बनाएंगे तो उसके अंदर चिल्ड वाटर चाहिए, नहीं तो वो बहुत स्लाइमी हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है वो। एक बार इसका पेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो किसी को अगर नट्स की एलर्जी है तो वो ग्रेन्स भी डाल सकते हैं, राइस का मिल्क, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नट्स नहीं मिल रहे हैं और नट्स नहीं कर सकते हैं, तो पीनट का जो हम मिल्क बनाते हैं तो पीनट की दही बहुत अच्छी जम जाती है और दही के लिए पीनट या सोए बेस्ट।
दही बनाना हो, पनीर बनाना हो, पनीर भी बन जाता है, सोए का पनीर बन जाता है। तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको आपको लगे कि अच्छा हमने ये छोड़ दिया और हमें अभी खाने का टेस्ट नहीं आएगा और हम पनीर का बहुत वो है, पनीर भुर्जी बहुत अच्छी बन जाती है सोए के मिल्क से। किसी को ट्री के साथ बुला लेंगे, हम सबको टेस्ट भी करा देते हैं। किसी को साथ साथ में जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि पीनट का मिल्क और सोए का मिल्क आप बॉईल कर सकते हैं, अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे ला सकते हैं। ये मिल्क को आप बॉईल नहीं करना, ये फट जाएगा। कोई भी नट मिल्क, आमंड हो गया, कैशू हो गया, लीविंग असाइड द पीनट, पीनट बॉइल्स वेरी वेल बिकॉज इट बॉइल्स वेरी वेल एंड बिकॉज सोए बॉइल्स वेरी वेल, उसका कर्ड बनाना बहुत ईजी है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके आप उसको ठंडा करके आप उसकी कर्ड बना सकते हैं। इसको आप हल्का सा हीट करके आप अपना चाय वगैरह में जो आप चाय बना ले और पत्ती उसमें पहले डाल दें, पूरे चाय आपने बना ली तो गैस को बंद करके ना ये मिल्क को आप टेम्परेचर पे लेके आइए माइक्रो में, अगर तो उसको फ्रिज में पड़ा हुआ है, फिर आप उसके ऊपर से मिक्स कर लीजिए। मतलब इसको चाय के अंदर पतीले में डाल के उबालते नहीं रहना है, वो ये सारा फट जाता है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट है और स्टेबलाइजर्स नहीं है। कुछ भी तरह का खीर या एक कुल्फी की हम आपको रेसिपी बता सकते हैं बाय द टाइम आई एम डूइंग दिस साइड बाय साइड। सो कुल्फी के लिए